राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज आया हूँ पुष्कर तीर्थनगरी। पूरे हिंदुस्तान में ब्रह्मा जी का फेमस मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर में तीन जगह घूमने की है। एक तो ये घाट देख रहे हैं पुष्कर का, जो फेमस है देखने लायक। एक पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, एक डेजर्ट है जो बोले तो रेगिस्तान। ये तीन चीज़ के लिए लोग विदेशों से, देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और बड़ा ही शानदार है, बहुत ही शांति मिलती है। ब्रह्मा जी का मंदिर सुबह खुलता है 12 बजे तक या 1 बजे तक, उसके बाद में शाम को खुलेगा 4:30-5 बजे के बाद में, रात को 8-9 बजे तक। पुष्कर में 3-4 घाट हैं ऐसे अलग अलग, कोई गऊ घाट है, कोई नरसिंह जी घाट है, ऐसे करके है। और ये मेन घाट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। इसलिए भीड़ नहीं यहाँ पे क्योंकि लोग क्या है डेजर्ट में घूमने गए हैं इधर उधर, ठीक है। शाम को क्या है यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे, जब जोतमाला होती है जिस समय आरती का टाइम होता है। अगर मेरा भाई कोई पुष्कर आता है, पुष्कर रहना चाहता है, तो वो महेश्वरी सदन में रुक सकता है। ये महेश्वरी धर्मशाला बोलते हैं इसको, महेश्वरी सदन बोलते हैं, जिसका किराया 300 रुपये डबल बेडरूम, और एसी वाला रूम लेंगे तो आपको मिल जाएगा 800 रुपये में। और यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, 70 रुपये थाली है जिसमें 2-3 प्रकार की सब्जी, दाल, पापड़, चावल, अचार, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप कभी आएँ यहाँ पे रुके, मेन बाज़ार के अंदर पुष्कर में स्थित है। ये अग्रवालों वालों की धर्मशाला देख सकते हो आप, कितनी बड़ी धर्मशाला है, चारों तरफ से दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको आसानी से रूम मिल जाएगा, बहुत बड़ी धर्मशाला, बहुत कमरे हैं और अच्छी साफ़ सफाई और अच्छी व्यवस्था है। और ऐसे मेरे से लिए जानकारी पाने के लिए मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। यह पुष्कर का मेन बाज़ार है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपको शांति इसलिए मिल रही होगी अभी क्योंकि अभी लोग टूरिस्ट सब इधर उधर डेजर्ट एरिया में गए हुए हैं घूमने, शाम को या रात को या सुबह जल्दी भीड़ रहती है। अगर आपको पुष्कर जाना है तो आपको अजमेर रुकना पड़ेगा। अजमेर से 20 या 25 रुपए किराया लगता है बस का, रोडवेज बस का पकड़ ले चाहे प्राइवेट पकड़ ले, वहाँ से आप पुष्कर आसानी से आ सकते हैं। पुष्कर ब्रह्मा जी का वर्ल्ड फेमस मंदिर है। यहाँ पे आप कैमल सफारी भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ऊँट की सवारी। ऊँट की सवारी करनी है तो आपको 100-150 रुपये में ऊँट की सवारी कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कहीं डेजर्ट में घूमना है तो उस हिसाब से आप क्या है यहाँ पे बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, बाइक से आप पूरा डेजर्ट एरिया घूम सकते हैं। भाई बाइक डेजर्ट में तो नहीं चलेगी, पर आप डेजर्ट एरिया तक पहुँच सकते हैं, 10-20 किलोमीटर तक पुष्कर की यात्रा कर सकते हैं बाइक से, और आगे पैदल जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बाइक किराए पे लेने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा और ड्राइविंग लाइसेंस आपका लगेगा, और आपको वो बाइक और एक हेलमेट दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप रेगिस्तान के अंदर टेंट में रहना चाहते हैं तो उसके क्या है 2,000 पर नाइट का या 3,000 पर नाइट का अपने हिसाब से वहाँ पे आपको डेजर्ट में रुकवाने की व्यवस्था होती है, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों का खाने का व्यवस्था होती है और काल बेलिया डांस दिखाया जाता है। उस 2,000 रुपये नाइट में या 3,000 रुपये नाइट में आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, वो आप वहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं। वहाँ पे पूछेंगे ना ऑटो टैक्सी वाले या ट्रेवल वाले, बस वाले होते हैं, तो उनसे पूछेंगे तो वो आपको आसानी से बता देंगे कि भाई यहाँ पे इस एरिया में हमारा लगता है कैंप, आप इतने रुपए यहाँ जमा करा दें, तो वो आपको बस के थ्रू या अपनी गाड़ी के थ्रू वहाँ पे डेजर्ट में ले जाएंगे, जिसमें आपको 24 घंटे का आपका 2,000 या 3,000 रुपये होगा, जिसमें आपको खाना फ्री मिलेगा अनलिमिटेड, और जिसमें काल बिलिया डांस फ्री दिखाया जाएगा। वहाँ पे नाइट में बहुत भीड़ रहती है वहाँ। ये ब्रह्मा जी मंदिर की मार्केट है, मैं आपको दिखा देता हूँ गेरी, और ये पीछे मेरे ब्रह्मा जी मंदिर है, पहुँच गया हूँ, चलते हैं दर्शन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है और बड़ा ही प्रसिद्ध है। राजस्थान में पड़ता है पुष्कर। वहाँ यह है हमारे जगत गुरु ब्रह्मा जी का मंदिर, जो वर्ल्ड फेमस मंदिर है, देश विदेश से लोग यहाँ पे स्पेशल दर्शन करने आते हैं, पुष्कर के अंदर स्थित है। यहाँ पर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए पुलिस वालों ने मेरे को बोल दिया यहाँ पे बंद कर दीजिए अपना कैमरा, इसलिए मैं यहाँ पे कैमरा बंद कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, ये जगत गुरु ब्रह्मा जी का वर्ल्ड फेमस मंदिर है पुष्कर, जो राजस्थान में पड़ता है। अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर आना घूमना, बहुत शानदार जगह। इसी के पास में अजमेर है, 20 रुपये किराया है,
जाने का, अजमेर भी घूम के आना, अच्छी जगह है। मंदिर के मैंने दर्शन कर लिए, मंदिर के अंदर वीडियो अलाउ नहीं था, जितना बना उतना मैंने बना लिया है। वैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा सावित्री माता जी का, ब्रह्मा जी की वाइफ का मंदिर है जो मेन पहाड़ियों पे, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अभी थोड़ी शाम होगी इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, और अगली बार आऊँगा, कोशिश करूँगा तो ज़रूर आपको दर्शन कराऊँगा। और बहुत ऊपर है, 3.5-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे, घनी पहाड़ियों पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे दर्शन है। और पुष्कर बहुत शानदार है, यहाँ पे पशु मेला होता है दीपावली के पास में, दीपावली से 2 दिन ही बाद पुष्कर मेला, बहुत शानदार मेला होता है जहाँ पे देश विदेश से लोग, पूरे इंडिया से लोग आते हैं। अगर कभी मौका मिलता है ज़रूर आना, यहाँ पे तमाम धर्मशालाएँ, खाने पीने की सस्ती व्यवस्था है, आप आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पुष्कर ज़्यादा महंगा नहीं है, पुष्कर सस्ता ही है। पुष्कर में मेन मंदिर बता दूं आपको, ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसके बाद में ब्रह्मा जी की वाइफ का मंदिर है, और 5-6 मंदिर और हैं फेमस। और पुष्कर में मेन डेजर्ट एरिया है, 3-4 जगह देखने लायक पुष्कर में। एक तो घाट है, सरोवर जिसको बोलते हैं, जहाँ पे महाआरती होती है, लोग बहुत देखने आते हैं, वो महाआरती के लिए स्पेशल आते हैं। लोग पूछेंगे कि पुष्कर में क्या क्या फेमस है, तो मैं बता दूं आपको, पुष्कर के अंदर गुलकंद बड़ा फेमस है, पुष्कर का गुलकंद बहुत अच्छा है, जिसको बोलते हैं गुलाब के पुष्प से बनता है, जो गुलकंद भी बोलते हैं, कोई गुलकंद भी बोलते हैं, वो फेमस है यहाँ का। और गुलाब जल बड़ा फेमस है पुष्कर का, अगर आप आते हो तो यहाँ से ये चीज़ परचेज करें। और लेदर की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है पुष्कर के अंदर, और खादी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है पुष्कर के अंदर।